नमस्कार मित्रों, जैसे कि हमारे वीडियो के टाइटल और थंबनेल में देख ही चुके हैं कि कौन सा जानकारी बताने वाले हैं, तो खासकर जो आज के वीडियो हैं मिस मत करना, क्योंकि इस प्रकार की जो जानकारी होती है बहुत ही कम लोगों को पता होता है। मैं वही जानकारी बताता हूं जो कि साधारण से साधारण आदमी कर सके। तो आज के जो वीडियो है अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना, क्योंकि कोई भी जो जानकारी होती है व्यर्थ अभी नहीं तो बाद में चल करके काम जरूर आएंगे। तो इन चार चीजों को पहनने से, ठीक है मित्रों, इन चार चीजों को पहनने से खूब धन आता है। अगर आप भी धनवान बनना चाहते हैं, आप काफी गरीबी को सह रहे हैं, गरीबी से परेशान हैं, तो एक बार यह चीज पहन करके जरूर देखें, आपकी गरीबी मिट जाएंगे। कौन सी चीज है ये वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। इससे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपको भी इस प्रकार के प्राचीन ज्ञान की अच्छे अच्छे जानकारी सीखने को मिले, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, हम आपकी बिल्कुल ही मदद करेंगे। तो पहले नंबर पे आते हैं चुंबक, जी हाँ, जिसे मैग्नेट भी बोल सकते हैं। तो चुंबक आप पहन सकते हैं, वैसे चुंबक की अंगूठी भी आजकल मिल जाते हैं। जो चुंबक का स्वभाव होता है, इसका स्वभाव है लोहे को अपनी ओर आकर्षित करना। तो मित्रों आप जो है देखिए, ये अपनी ओर खिंचाव करता है, चुंबक अपनी ओर खिंचाव पैदा करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। किसी भी चीजों को ले लीजिए जो कि लोहे का होना चाहिए। तो एक बात आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, चुंबक तभी आपको प्रभाव दिखाएंगे जब ये जागृत होना चाहिए। तो एक चुंबक ले लेना और इसके माला बनवा करके 24 घंटे के लिए तुलसी के जड़ में, आपको तुलसी की जड़ की जो मिट्टी उसमें दबा करके 24 घंटे के लिए रख देना है। इसके बाद इस चुंबक को निकाल करके गंगा जल से धो लेना और आपको धारण करना है, पहनना है। तो जो चुंबक का स्वभाव नॉर्मल से प्रकृति स्वभाव है अपनी ओर आकर्षित करना, तो ये धन को अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है, लक्ष्मी को खींचता है। तो इससे आपकी निर्धनता मिटेंगी, गरीबी मिटेंगी, सामने वाले आपकी ओर खींचे चले आएंगे। ऑफिस में जा रहे हो तो सामने वाले आपको ये देखेंगे, आपकी हर बात को मानेंगे। मतलब ये सारी दुनिया को एक प्रकार के बोल सकते हैं वशीकरण का ये काम करते हैं, आप सम्मोहन का काम करता है, आपकी ओर खिंचाव चले आएंगे। तो दूसरा उपाय बता देता हूँ जो कि धन प्राप्ति करने के लिए लोगों को अवश्य पहनना चाहिए, चाबी। चाबी हर ताले की तोड़ होता है चाबी, तो चांदी की चाबी जो भी व्यक्ति पहनते हैं, ऐसा हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि चांदी की जो चाबी होते हैं कोई भी व्यक्ति अगर धारण करते हैं तो उसे निर्धनता मिटती है, साक्षात माँ लक्ष्मी उसके कदम कदम में मदद करती है, धन प्राप्त करने में उसकी सहायता करती है। जो भी उनके परेशानी है सारे परेशानी चाबी धारण करते ही समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि हर समस्या हर प्रॉब्लम की तोड़ होता है चाबी। चाबी एक प्रकार के बोल सकते हैं उपाय हैं। तीसरा, जो लोग चाहते हैं कि भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश उनके कहा जाए तो सहायता करे, धन प्रदान करे, सतरजतम, अगर जो व्यक्ति त्रिशूल धारण करते हैं तो सजरजतम, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान उनकी सहायता करते हैं, त्रिदेवी उनकी सहायता करते हैं, क्योंकि त्रिशूल को तीनों देवी और तीनों देवताओं का प्रतीक बताए हैं। बड़े बड़े देवी देवता त्रिशूल धारण करते हैं, तो अगर जो भी व्यक्ति त्रिशूल की माला अपने गले में पहनते हैं तो उनके निर्धनता समाप्त होती है, कोई भी शत्रु उन पर कुछ भी वार करते हैं, तंत्र बाधा करते हैं, तो सारे तंत्र बाधा नहीं लगते। हाँ, त्रिशूल इस प्रकार से धारण करना चाहिए, सबसे पहले तो त्रिशूल को जो है 24 घंटे के लिए आपको शिव मंदिर में छोड़ देना है, या शिवलिंग पर टच करके आपको रख देना है। 24 घंटे के बाद इसे गंगा जल में धो करके पहन सकते हैं, इसे जागृत हो जाते हैं और ये आपकी रक्षा भी करते हैं। तो ये था आज के छोटे से जानकारी, बड़े अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। बड़े देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।